सम्मुख कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदा से दिल्ली में सीलिंग का जो मुद्दा है वो लगातार अभी हमेशा से रहा है। हम अभी यहाँ एक सेकंड रहिए तो जरा, और कुछ लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए विशाल धरना प्रदर्शन EDMC द्वारा की जा रही सीलिंग से लाखों लोग बेरोजगार और सीलिंग बंद करो। सर क्या है सीलिंग से, क्या प्रॉब्लम है आप लोग? सर सीलिंग से क्या है, हम लोग वहाँ पर पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। कहाँ पर? मिलन गार्डन मंडोली। सर 20 साल से हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले, जब तक गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी जो आज पोल्यूशन याद आ गया। तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो? सर सरकारी जमीन क्यों, सर हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सरकारी जमीन क्यों है? क्या कह रही है सरकार? सर सरकार तो कहती है कि पोल्यूशन के ऊपर वो कर रहे हैं। कौन, केंद्र सरकार कह रही है? सर ये आज तक क्लियर ही नहीं है कि केंद्र कह रही है कि राज्य कह रही है। तो सीलिंग तो नगर पालिका के अंदर आती है ना, नगर पालिका। सर एक बात बताइए, जो हमने वहाँ मीटर लगवाए, जब मीटर के समय हमने बताया कि हम पावर लगवा रहे हैं, हम फैक्ट्री चलाएंगे यहाँ पे, हम GST के लिए हमने अपना नंबर लिया वहाँ पे, तब क्या उन्हें पता नहीं था कि ये फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं? सारे कमर्शियल जो प्लेस है उसको खाली करवाया जा रहा है। हाँ सारा वहाँ पे कोई अल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं आप? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं जमीन या कहीं कोई नहीं। जबकि हमने 2.5-3 साल पहले अर्बन डिपार्टमेंट को, PMO को, दिल्ली सरकार को, LG को, आप लोग चलाते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल देते हैं, नौकरी भी देते हैं, उसके बाद भी आप लोग की हालत? उसके बाद हमें उजाड़ा जा रहा है। कितने लोग होंगे इसके चपेट? हमारे यहाँ 250 फैक्ट्री है, 250 फैक्ट्री में एक आदमी में 10 आदमी की एवरेज लगाओ तो 2500 लोग है। उन 2500 लोगों से फिर आगे एक के साथ 10 जुड़े हुए हैं। क्या मांग क्या आप लोग? हमारी मांग है कि सीलिंग बंद की जाए, हमें वहाँ पे काम करने दिया जाए, हमारे एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाए। और सब चीज में नहीं आती तो ये दिल्ली में किस जोन में पड़ता है? दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नंद नगरी के पास। हाँ जी, नंद नगरी के पास में मंडोली, कम सीलमपुर, नंद नगरी जो। हाँ जी। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो बिल्कुल यूपी बॉर्डर पे। क्या है फैक्ट्री आप लोग? नॉन पॉल्यूटेड, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता हमारी फैक्ट्रियों में किसी भी तरह का। क्या चलता है वहाँ, क्या चलता है? छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, डिब्बे की फैक्ट्रियां हैं, और ऐसे भी बहुत छोटे असेंबली का काम बहुत होता है। तो अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग ये कर रहे हैं, किस तरह सरकार आ रही है, होर्डिंग लगाती है, EDMC आती है, सुप्रीम हुआ नगर पालिका, EDMC आती है, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पोल्यूशन बंद करो, पोल्यूशन की फैक्ट्रियां सील करो। कुछ बड़ी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए वो हमारे को टारगेट बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनका पोल्यूशन है बहुत तगड़ा। तो नाला नहीं बहता होगा यमुना? नहीं 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 नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई हमारे यहाँ धुआं नहीं है, धुआं भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। देखिए इस देश में अरबों खरबों की रियायत दी जाती है जो बड़ी कंपनियां अंबानी अंडानी को, जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, छोटे छोटे लघु उद्योग है। दरअसल जितने रोजगार होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं सब इसी में रोजगार पाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको। नोटबंदी का भी असर हुआ आप लोगों पर या ठीक? बिल्कुल बिल्कुल, नोटबंदी का तो हुआ, लेकिन हम पहले नोटबंदी की वजह से बर्बाद हुए, उसके बाद में GST की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, अब उसके बाद में जो है मैं उजाड़ा जा रहा हूँ। उसके बाद 200 फैक्ट्रियां होंगी लगभग, 250 फैक्ट्री हमारे थी वहाँ पर। चैनल वाला, अखबार वाला नहीं है आप लोग खबर दिखाने? नहीं, अभी हमने यहाँ आके धरना दिया तो हमारे यही सारे मीडिया बंधु हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, सबने हमें कवर किया है, और हमने अपनी मांग रखी कि हमारी फैक्ट्री की सीलिंग बंद की जाए, हमारे एरिया को इंडस्ट्री एरिया घोषित किया जाए। लगभग कितने, अगर मोटा मोटी बात करें तो 250 फैक्ट्रियों में कितने लोग काम करते हैं? 250 फैक्ट्रियों में लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 10-15 जुड़ा हुआ है आपस में, एक दूसरे चैन से जुड़ा हुआ है, दुकानें भी उन्हीं से चलती होंगी। आज दुकान वाले जो है वहाँ पे जिनकी दुकान है वो लोग कह रहे हैं हमारी तो दुकानें आप लोगों की वजह से चल रही थी, हम तो यहाँ बर्बाद हो गए आपके जाने से। ठेली वाले अगर आप अभी जाओगे ना दिन के समय, परसों दिन में चोरी हुई है, ताला लगा दिया गया आप लोग के शॉप? बिल्कुल जी। मतलब एक होता है ना कि जैसे बहुत जगह खाली करवाया था तो एक अल्टरनेट जमीन दी जाती है, क्या हमारी मांग है? अगर जमीन अलाउट हो तो आप लोग बजट अलाउ करता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं ना, हमारी जो डिमांड है, हमें जमीन अलाउ करने की जरूरत ही नहीं है, हम यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे, हमारे बाद में यूपी शुरू होती है, वहाँ पे हम किसी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसी जगह हम बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट ने बवाना बसाया बॉर्डर पे, नरेला बसाया, वसूली भी होती है आप लोगों से? बिल्कुल होती है, वसूली तो होती है, EDMC चोर है, EDMC नोटिस के नाम पे पैसे मांगती है। देखिए लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, नोटबंदी GST के बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज बर्बाद हुए हैं, चाहे वो लुधियाना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, और इससे जो 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 स्मॉल इंडस्ट्रीज जब बंद होने लगते हैं तो लाखों करोड़ों लोग, इस देश में जो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट होता है वो MESC जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो करते हैं। मेन चीज जो है ना, हम जो बैठे यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे से कुछ दूर आगे वहाँ पर एक इंडस्ट्री एरिया बनाया हुआ उन्होंने, मंडोली इंडस्ट्री एरिया,
जिसको वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसके साथ जोड़ा जाए, उस इंडस्ट्रियल को बढ़ाया जाए। जब वहाँ पे इंडस्ट्री चल सकती है, इंडस्ट्री या चल रहा है, तो हम लोगों को वहाँ से क्यों निकाला जा रहा है? हमें बताई जाए जो पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया में जो यूनिट काम कर रही है, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं है? बड़े इंडस्ट्री वालों को हाथ नहीं डाला जा रहा, बड़े वालों पे हाथ नहीं डाला जा रहा, छोटे वालों को मोहरा बनाया जा रहा है, छोटे वालों से सीलिंग करके बड़े वालों को बचा दिया जाता है, पैसे लेकर उनको बचा दिया जाता है। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना चाहिए। अब जो हो रहा है, जो हो रहा है उससे चोरी डकैती बढ़ेगी। अब ये मानो हमने फीस नहीं भरनी बच्चों की, क्या नहीं करना, खाना नहीं खाना, सब कुछ करना है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? चोरी, चकारी, किडनैपिंग, मर्डर? नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोले। तो देखिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, और दिल्ली में ऐसे उद्योग बहुत ज़्यादा चलते हैं, और ये लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सीलिंग जो एक समस्या है, सरकार उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रही है, परमानेंट सोल्यूशन। ये सारी लेबर हैं, इनसे पूछो क्या हो रहा है। इतना तो मुझे पता है कि इन लोग की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। इनके साथ क्या हो रहा है, इनसे पूछा जाए। सर, यूपी बिहार के लोग होते हैं जो छोटे छोटे इंडस्ट्री में काम करते हैं, आके देश भर से लोग आते हैं, और छोटे इंडस्ट्री जब बर्बाद होते हैं तो हजारों लोगों की रोजी रोटी जो है वो खत्म हो जाती है। एक एक आदमी काम करता घरों में, एक एक आदमी, उसको भी बाहर निकाल करके और बंद कर दिया गया और मीटर काट के उठा ले गए। उसी गेट से जाना है, उसी में रहना है, और गेट आप बंद कर दो, कहाँ गली में कोई सोएगा? सर्दी में ये बताओ कहाँ रुकेगा कोई? ये हाल है इनका। देखिए, अखबार टेलीविजन इस तरह की खबरें दिखाएगा नहीं, लेकिन ये बहुत सरोकार की खबरें हैं। लेकिन यही लोग हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम वाला टेलीविजन डिबेट देखते रहते हैं, इसलिए सरकार को लगता है कि उनको हिंदू मुस्लिम करके वोट तो मिल ही रहा है। इसलिए इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो रोजी रोटी का मुद्दा है, जो छोटे छोटे उद्योग का मुद्दा है, लघु उद्योग का मुद्दा है, उसको कोई कवर नहीं करता है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये आम लोग हैं, आम लोग की खबर है, आम लोग की रोजी रोटी का सवाल है। मोदी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये पॉलिटिक्स बाज निकली सरकार, एकदम सब गरीब आदमियों को भूखा मार दी। जब से इनकी सरकार आई है, रोटी छीन गई है। समझ में आ रहा है, एकदम रोटी खूब समझ में आ रहा। मंदिर बन रहा है ना, मंदिर बन रहा है, मंदिर का काम मंदिर का जाने, लेकिन सबकी रोटी की छीनने लग रहे हैं, उसका क्या? चलिए, ये तस्वीरें दिखा रहा था, एक सीलिंग के नाम पे लगातार छोटे उद्योगों को दिल्ली में बर्बाद किया जा रहा है, और उसके लिए सरकार के पास कोई मैप प्लान नहीं है, नगर पालिका के पास कोई मैप नहीं है, प्लान नहीं है कि उनको अलग ज़मीनें दी जाएं, और पूरे दिल्ली में इस तरह की स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।